अगली खबर जयपुर से है, जहां पिंक सिटी जयपुर में अब पर्यटकों से पूरा शहर गुलजार है। बड़ी संख्या में देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो भ्रमण के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में वैसे पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह हैं, बात करें आमेर फोर्ट की या फिर हवा महल की, जंतर मंतर की या फिर अल्बर्ट हॉल की। नारगढ़ फोर्ट पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम सुहावना है, गुलाबी शहर में गुलाबी सर्दी का एहसास है और इसी बीच पर्यटकों का जमावड़ा है। हर कोई जयपुर को निहारने के लिए, जयपुर की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद करने के लिए, अपनी आंखों से सहारने के लिए यहां पर पहुंचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नारगढ़ फोर्ट पर भी बड़ी संख्या में जो अलग अलग पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। विदेशी पर्यटकों का आना लगातार जारी है। और अब देखिए कि जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर में ऐसे अनेक मार्केट भी हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, अगर हम जयपुर के पर्यटन की बात करें तो यहाँ के मार्केट से लेकर यहाँ के फोर्ट्स तक न जाने कितनी ऐसी जगह है जो न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। फिलहाल ये सीजन कैसा चल रहा है पर्यटन के लिहाज से? देखिए, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे पर्यटन सीजन भी शुरू हो जाता है। यानी पर्यटन के लिहाज से बात करें जयपुर में तो सर्दियों में ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जयपुर में देखा जाता है। पिंक सिटी इन पर्यटन पर्यटकों की पर्यटकों से गुलजार है। और क्योंकि कल राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे और चुनाव की वजह से जो प्रदेश भर के सभी पर्यटन स्थल थे वो बंद रखे गए थे, क्योंकि मतदान में सभी मतदाताओं का भागीदारी जरूरी थी। ऐसे में जो छुट्टी थी, जो टूरिस्ट जयपुर आया हुआ था, वो आज टूरिस्ट यहाँ सभी पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए निकला है। और आज अवकाश का दिन भी है, संडे है, तो संडे के दिन टूरिस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में जयपुर में देखने को मिलता है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हो, जो टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये उन टूरिस्टों वो उत्साह है जो यहाँ पर जयपुर जो पहुँचते हैं। जयपुर की जो खूबसूरती है, पिंक सिटी, जो चारों ओर शहर पिंक कलर से रंगा हुआ है, और इनके यहाँ के बाज़ार जो अलग अलग, बर्तन बाज़ार अलग होगा, ज्वेलरी बाज़ार अलग है, जौहरी बाज़ार अलग है, ख़ास तौर से कपड़ा बाज़ार अलग है, और जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा के जो कपड़े हैं वो अलग बाज़ार है। यहाँ का ब्लू पॉटरी है, तो यानी अलग अलग जो जयपुर की जो बाज़ार है वो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहा है, ये हवा महल जहाँ मौजूद है वहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ अलग अलग अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जैसे पहुंचा है, तो यहाँ सेल्फी लेकर भी इन यादों को अपने साथ संजो रहा है। तो आप तस्वीरों में जो टूरिस्ट देख रहे हैं, बड़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पहुंच रहे हैं। अलग अलग पर्यटन स्थलों की बात करें, आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, हवा महल जहाँ मौजूद हैं, अल्बर्ट हॉल हुआ, नारगढ़ फोर्ट, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट देखे जा रहे हैं जी। तो ये वो तस्वीर है जो पर्यटकों में जयपुर में अपनी ओर इनको आकर्षित, जो जयपुर ने किया है, यहाँ टूरिस्ट पहुंचकर अपनी यादों को संजो रहा है। तो टूरिस्ट उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हो आप लोग? सर, यूपी से आए हम। कैसा लगा? कासगंज से। जयपुर कैसा लगा देखा? बहुत सुंदर, अभी तो बस हम आज ही आए हैं और बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल जी जयपुर। और बच्चे भी हैं, बच्चे से बात करते हैं। आपने जयपुर घूमा, अभी हवा महल हो, कैसा लगा आपको जयपुर का पिंक? अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या अच्छा लगा जयपुर का? छोटी छोटी खिड़कियाँ। आप बताएं मैडम जी। मुझे यहाँ पे जो व्यूज है उसमें सबसे प्यारी विंडो लगी, यहाँ की जो विंडो है ना, उसकी जो साइज है वो बहुत प्यारा लगा देखने से। हवा महल है, ये विंडो इसीलिए बनाई गई थी यहाँ हवा आने के लिए। हाँ, इसीलिए वो जो उसका विंडो का जो व्यू है वो बहुत प्यारा लगा। खिड़कियाँ हैं, विंडो है, और हवा एकदम ऐसी मस्त हवा चलती है कि गर्मी में भी जो पुराने राजा होंगे और हवा का आनंद ले सकें। क्योंकि और भी टूरिस्ट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, खास तौर से जो टूरिस्ट पहुंचे हैं। मैडम, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए मैडम? कलकत्ता से। कलकत्ता से। क्या जयपुर में क्या क्या घूमा आपने, क्या क्या देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आमेर फोर्ट, हवा महल, शीश महल, बहुत कुछ देखा। क्या डिफरेंट लगा आपको यहाँ आकर कलकत्ता और यहाँ, क्योंकि
जो राजा महाराजाओं ने जो चीज बनाई कैसी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं मुझे हिस्टोरिकल प्लेस बहुत पसंद भी है। बच्चों को कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूँ हिस्ट्री, तो मैंने जो पढ़ा है मैं इधर आकर वो देखा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखिए बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया है, जो पढ़ा है। चलिए दामोदर, बहुत अच्छी बात है कि इस पर्यटन के सीजन में लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी पर्यटक हैं, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक और विदेशी पर्यटकों तक, हर कोई